आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं IRCTC स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक को डिस्कस करने का मुख्य कारण ये है कि आफ्टर अ लॉन्ग डाउन ट्रेंड इस समय इस स्टॉक में कुछ कंसोलिडेशन के बाद, जो कंसोलिडेशन हमने देखा कि 580 to 600 के प्राइस के अप्रोक्सीमेटली के बाद, इस समय अगेन स्टॉक में 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर का क्लोजिंग मिला है और कैंडल एक बुलिश कैंडल है। तो मेरा पर्सनली मानना है कि शॉर्ट टर्म में एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड 680 टू 700 तक के लेवल्स दिख सकते हैं, जहां स्टॉप लॉस 580 के नीचे के स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। अगर ऑलरेडी आपने इस स्टॉक को मोर देन 800-900 के प्राइस के अप्रोक्सीमेटली बाइंग कर रखे हैं, तो इस समय इस स्टॉक को एक्युमुलेट या फिर फ्रेश बाइंग किया जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट का आउटलुक है वो काफ़ी बुलिश है और साथ में FIs की जो सेलिंग है वो कंटिन्यूस हटते हुए दिखी है। इवन FI जब बाइंग भी करते हुए दिख रहे हैं तो श्योरली यहाँ से निफ्टी में भी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड और IRCTC यहाँ से 680 टू 700 तक के लेवल्स दिख सकते हैं।